बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, मैं नरोत्तम दोरोली और आप देख रहे हैं हमारी यूट्यूब चैनल अंबेडकर पीपल्स वॉइस को। दरअसल आप सभी को पता होगा कि करीब आज के 20 दिन या 25 या एक महीना पहले हमने तेजस्वी यादव के बारे में कुछ वीडियो डाले थे जो कांग्रेस उनके साथ कर रही थी। उस समय हमने आपको उन वीडियो की आप चाहे जाकर देख सकते हैं, उन सारे में वीडियो को मैं पीछे इसके एंड स्क्रीन में उन वीडियो को लगा भी दूंगा। उन वीडियो के अंदर हमने एक बात बोली थी कि कांग्रेस ये चाहती है कि चाहे भले ही बीजेपी जीत जाए, चाहे मोदी जीत जाए, लेकिन किसी भी हालत में बसपा सुप्रीमो मायावती, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव जैसे जो नेता है, ये नेता किसी भी हाल में नहीं जीतने चाहिए। ये तमाम बातें आप उन वीडियो के अंदर देख लें, हमने कहा था। और उस समय एक सीनियर वरिष्ठ लोगों ने, जो आप लोगों में से कोई थे, उन्होंने भी जो कॉल करके बताया भी था कि आपको ये नहीं दिखाना चाहिए, कांग्रेस के सिंपैथी करनी चाहिए। लेकिन अब वो बातें बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती खुले मंच से कह रही है, साथ ही अखिलेश यादव भी बराबर उन बातों को कहने में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि पिछले दिनों एक रैली थी, उस रैली के अंदर संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा था कि समाजवादियों को सबसे ज्यादा अगर किसी ने धोखा दिया है, समाजवादियों के साथ सबसे ज्यादा अगर किसी ने छल किया है, समाजवादियों को सबसे ज्यादा अगर किसी ने नुकसान पहुंचाया है, तो वो है कांग्रेस पार्टी। इसी के साथ अगर हम बात करें बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती की, तो बसपा सुप्रीमो मायावती लगातार कांग्रेस के ऊपर निशाने रही है। उन्होंने डबल, जैसे उन्होंने बफोर्स का नाम लेकर राहुल गांधी को घेरा, तो राफेल का नाम लेकर उन्होंने कांग्रेस को घेरा। लेकिन अब उन्होंने जो गुना का प्रत्याशी था उसका फोरम उठाने के बाद अब ये साफ हो चुका है कि आने वाले दिनों के अंदर कांग्रेस पार्टी के जो उम्मीदवार, कांग्रेस का जो उम्मीदवार था ज्योतिबा सिंधिया, उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार को डरा धमका कर किसी भी तरीके से बिठा दिया। जी हाँ, मध्य प्रदेश के गुना जो लोकसभा सीट है, वहां से बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार थे, उनको ज्योतिबा राव सिंधिया, जो कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव है, उन्होंने डरा धमका कर बिठा दिया अपने पार बहुते या पैसों के दम पर, किसी भी तरीके से आप मान सकते हैं, उन्होंने बिठा दिया। और उसके बाद बसपा सुप्रीमो मायावती के तल्ख है वो और भी ज्यादा तीव्र हो गए। उन्होंने कल ट्वीट किया जो हमने आपको पहले दिखा चुके हैं वीडियो भी, कि उस ट्वीट के अंदर उन्होंने लिखा कि कांग्रेस पार्टी बीजेपी से कम नहीं है, वो भी मिशनरी जो है, क्योंकि कांग्रेस, आपको बताया कि मध्य प्रदेश है उसके अंदर कमलनाथ सरकार है जो कांग्रेस की सरकार है, और वहां पर उन्होंने बसपा सुप्रीमो मायावती ने यह कहा है कि कांग्रेस पार्टी भी उतना ही मिशनरी, सरकारी मिशनरी का दुरुपयोग करती है जितनी बीजेपी करती है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक ही पार्टियां हैं, वो किसी भी हालत में ये नहीं चाहती कि सपा बसपा गठबंधन चुनाव जीते, बीजेपी बसपा मजबूत हो, चाहे बदलाई कांग्रेस जीत जाए। आपको इसके एक नहीं हजार उदाहरण मिल सकते हैं, मैं आपको इसके बाई प्रूफ दे सकता हूं। बात करते हैं सपा बसपा गठबंधन की, उत्तर प्रदेश से ही हम बात शुरू कर देते हैं। तो उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस की हैसियत कितनी है तमाम लोग जानते हैं। मैं तो ये दावे के साथ कहता हूं कि अगर सपा और बसपा गठबंधन ने अपना मिलकर उम्मीदवार रायबरेली और अमेठी के अंदर भी उतार दिया होता, तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी की भी जमानत बचना मुश्किल हो जाता। लेकिन इन्होंने अपनी इंसानियत दिखाते हुए, ताकि पूरे देश में मोदी को घेरा जा सके, राहुल गांधी और सोनिया गांधी रायबरेली और अमेठी में ही फंस कर ना रह जाए, इसलिए उन्होंने वहां से अपना कैंडिडेट नहीं उतारा। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन के को धक्का देते हुए पूरे यूपी के अंदर जहां जहां गठबंधन जीत रहा है, जहां जहां गठबंधन मजबूत प्रत्याशी उतारा है, जैसे सपा बसपा गठबंधन ने कहीं पर मजबूत प्रत्याशी उतारा, एक नहीं हजारों कई सीटों के ऊपर कांग्रेस ने अपने पुराने प्रत्याशियों को बदल दिया। जब पहले उन्होंने कमजोर प्रत्याशी उतारा, तो फिर उन्होंने मजबूत प्रत्याशी को वहां पर उतार दिया। और बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए कांग्रेस ने यूपी के अंदर पूरा जोर लगा रखा है, खासतौर से प्रियंका गांधी तो वहीं पर लगी हुई है। इसी के बाद करें हम बंगाल की चले जाए, तो बंगाल में ममता बनर्जी ने उनको कहा था कि पूरे देश में बीजेपी के कैंडिडेट के सामने एक ही पार्टी का कोई कैंडिडेट उतरना चाहिए ताकि बीजेपी को हराने में सक्षम हो। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने वहां पर भी अपनी 40 की 40 सीटों के ऊपर वह चुनाव लड़ाना शुरू कर दिया। बात करें इसी साथ झारखंड, इसी के साथ अगर हम बात करें बिहार की, तो बिहार के अंदर आपको बता दें कि गठबंधन के तत्वाधान में तो भले ही है बीजेपी, सॉरी कांग्रेस पार्टी जो है वो तेजस्वी यादव के साथ कांग्रेस गठबंधन में तो है, लेकिन आपको बताया कि कन्हैया कुमार का प्रचार करने के लिए कांग्रेस के नेता ही वहां पर मौजूद थे। इसी के साथ हम बात करा दें, दिग्विजय सिंह ने भी पिछले दिनों एक बयान दिया था, जो कांग्रेस के बड़े नेता, उन्होंने कहा था कि कन्हैया कुमार का प्रचार करने, अब कांग्रेस का प्रचार करने, जबकि कन्हैया कुमार कम्युनिस्ट पार्टी का था और गठबंधन के तहत बेगूसराय जो लोकसभा की सीट है वहां से तनवीर हसन है वो चुनाव लड़ रहे थे। पिछले बार वो काफी ज्यादा क्लोज फाइट में रहे थे और मोदी लहर के अंदर भी वो काफी ज्यादा नजदीक जाकर चुनाव हारे थे।
इसी के साथ अगर हम बात करें अन्य राज्यों की तो भी वहां पर यही हालात है। राजस्थान में बसपा ने कहा था कि राजस्थान में आप हमें चार से तीन चार जो भी सीटें बनती है उस हिसाब से आप हमें सीट देने की कोशिश करें, लेकिन राजस्थान में बीजेपी बसपा कांग्रेस अकेले लड़ने के लिए तैयार है लेकिन बसपा को सीट देने के लिए तैयार नहीं है। मतलब जिन राज्यों के अंदर कांग्रेस कमजोर है वहां तो उसको ज्यादा सीट चाहिए, और जहां पर कांग्रेस मजबूत है वहां पर वो सपा बसपा या किसी अन्य पार्टी को सीट देने के लिए तैयार नहीं है। तो ये एक तरीका है, और इसी को बताते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती ने कल ट्वीट पे लिखा था कि यूपी में सपा बसपा गठबंधन ही बीजेपी को हरा सकता है, इसलिए कांग्रेस को अपना वोट देकर किसी भी हालत में खराब ना करें। तो ये कांग्रेस पार्टी की चाल है, और मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस कतई ये नहीं चाहते कि बीजेपी आ रहे, ये साफ है। तो मिलेंगे किसी नई वीडियो नई अपडेट के साथ। शायद आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए।